सुरक्षा खतरे को देखते हुए यूएस कैपिटल बिल्डिंग को किया गया बंद। 20 जनवरी को जो बाइडेन लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। 6 जनवरी को किया था ट्रंप समर्थकों ने हमला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख तेड्रोस एडनोम गेब्रियासिस ने चेताया, कोरोना वैक्सीन की होड़ में गरीब देश पीछे छूटे तो खत्म नहीं होगी महामारी। सूरत के कोसाबा गांव के पास दर्दनाक हादसा, ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को कुचला, 13 की मौके पर मौत, 5 की हालत गंभीर, सभी मजदूर राजस्थान के। किसानों की दिल्ली घेरेबंदी का आज 55वां दिन, सरकार के साथ आज होने वाली वार्ता एक दिन के लिए टली, कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की पहली बैठक आज। टीकाकरण के पहले 3 दिन में 3,80,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका, 580 साइड इफेक्ट के मामले, 2 की मौत, लेकिन वैक्सीन कारण ना होने का दावा। भारत बायोटेक ने अपनी कोवैक्सीन को लेकर चेताया, कहा कमजोर इम्यूनिटी, बुखार, एलर्जी या किसी गंभीर बीमारी की दवाएं लेने वाले ना लगवाएं टीका। दिल्ली का लाल किला सैलानियों के लिए अनिश्चितकाल के लिए बंद, 1 हफ्ते पहले परिसर में मृत पाए गए कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हुआ फैसला। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला जारी, पेट्रोल में 22 से 25 पैसे और डीजल में 24 से 25 पैसे का इजाफा। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कोहरे का कहर, दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान, अगले 4 दिन तक राहत की उम्मीद नहीं।